गई स्कूलों की, लेकिन अभी इन लोगों के पास कोई मैसेज नहीं आया, तो ये तो अभी स्कूल की छुट्टी नहीं कर रहे, बट थोड़ी देर वेट करके देखते हैं क्या होता है। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, और पेरेंट्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पेरेंट्स का भी पैनिक होना बनता है, क्या करें। एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप करती हूं सब अच्छे ही होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और मेरी आज की शुरुआत हो रही है किचन से, तो मैं बना रही हूं दाल मसूर की, काली मसूर की दाल बन गई है, दाल मेरी बॉयल हो चुकी है, बस तड़का लगा रही हूं, और ये चट चट के आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप सबको भी अच्छी लगती तो बताना जरूर। और ये रही मेरी दाल काली मसूर की, बन गई है, बस तड़का लगा रही हूँ, और सुबह के लिए भिंडी भी काट के रख लेते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे सुबह भिंडी लेके जाएंगे, तो वो भी मैंने यहाँ ला के रख ली है ये रही। और ये महाराज यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, हाँ जी यहाँ एडिटिंग कर रहे हैं, जबकि इनको वो वाला रूम दे रखा है मैंने, सामने वाला मैंने नहीं दे रखा, ये इन्हीं का था कि मुझे सामने वाले में बैठना है, तो आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? अरे सुंदर जरा, तो काम तो मेरे को यहाँ से भी याद आएगा, कितनी अप एंड डाउन को, अप एंड डाउन भगवान, बस एक एक काम दे रखा है मैंने इनको, वो भी बस यही है ना, भलाई का जमाना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मेरा जीरा चटक गया है, हमें यहाँ पे प्याज और ये डाल देती हूँ, टमाटर गाइस देखो मम्मी पापा कैसे लड़ाई कर रहे हैं। As usual, लड़की को हमेशा दाल चावल ही पसंद आते हैं। आज क्या बनना है घर में? दाल चावल। ये सरप्राइज, हम दाल चावल बना रहे हैं। Well, guys, हमारे पास ना एक और छोटू आया, आप लोगों ने देखा? दिखा तुम। सी। वन मोर छोटू, एक और छोटू हमारे पास आया, और इसको हमने दोनों तरवज्जो के ठीक बीचो बीच जो गैप है उसमें रख दिया है। लेट्स सी कैसा लगता है, एक छोटू और है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? एक छोटू और हमने आज लिया है, और एक बड़कू भी लिया है हम। नहीं छोटकू ही है वो बड़कू होएगा, वो ऊपर है छत पे, वो आउटडोर है, ये इनडोर है, ये घर के अंदर, वो घर के बाहर, उसको इनसाइड कर दिया है। एक्चुअली वो पौधे वाले भैया बता के गए कि भाई इसको धूप में नहीं रखने का, इसको हफ्ते में एक आध बार धूप लगाओ, वो भी शाम के टाइम थोड़ी सी, उसके बाद इसको अंदर रखो। हम पागल थे, हमने जला मारा उसको बेचारे को। मैं औरतों की सुनता नहीं हूँ, मेरी डिक्शनरी में औरतों की सुनता नहीं लिखा है, मैं नहीं सुनता। और एक छोटू हमारे पास जो है ये रहा, ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, ये देखो है ना मस्त। ऐसे बहुत सारे छोटू ना, ऐसे बहुत सारे छोटू अभी और बाय करने, और बाय करके पूरा गार्डन बना देना है, बालकनी बाहर वाली सजा देनी है, ऊपर वाला पूरा एरिया सजा देना है, पूरा पौधों से भर देना। मतलब कमेंट में बताना घर के लिए कौन सा पौधा अच्छा रहता है, मतलब सुख शांति शांति, और सुख शांति हम लोगों ने ले लिया वैसे, नहीं मतलब उस चीज के लिए, घर की अच्छाई के लिए कौन सा पौधा अच्छा रहता है मुझे पता नहीं है, एक बता के गया वो सुख शांति वाला, तो वो मैंने ले लिया पौधे वाला, बाकी का अगर आपको बताऊ ना तो प्लीज कमेंट में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पौधे वाले से ले लूं उसका नाम, है ना, कोई सजेस्ट कर देना इंडोर के कौन से प्लांट ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो वो हम लोग बाय कर लेंगे। ठीक है गाइस, हाय हाय चिपकली कैसे दिख रही है, और है ना हम चिपकली बार बार इधर आ रही है, को प्लांट नहीं दिखा, प्लांट लिया हमने ये, हाँ
देखो ये वाला लिया है, इसे क्या कहते हैं, सुख शांति, सुख शांति वाला प्लांट, जो कि अभी भगवान करे मेरे घर में जल्दी सुख शांति हो जाए। तो तुम्हारे घर में कौन सी वो है? कौन है वो है? सुख शांति क्या नहीं है सोना, बोलो तुम्हारे घर में कौन सी वो है, मतलब ये वो है। तो ये वाला हमने ना अभी ये गमले लिए हैं, गेरा एक गेरा, हाँ। तो हम ये वाला जो सुख शांति वाला है ना, ये वाला इसमें गमले में कर देंगे, और ये ये गुलाब का है तो ये गुलाब वाला इसमें शिफ्ट कर देंगे, और ये कड़ी पत्ता वाला गुलाब वाले में कर देंगे। हाँ देखो ये कड़ी पत्ता ये रहा। तो अभी हमारे तीन चार प्लांट हमारे नीचे हो गए हैं और काफी प्लांट हमारे यहाँ पर हो गए, अभी मेरे को और भी लेने हैं। एलोवेरा जो लगाया था ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे एलोवेरा इतना खिल गया था ना, इतना बड़ा एलोवेरा हो गया था ये ना, वहाँ पे जो से शिफ्ट हुए ना, तो एक दो बार इनको पानी नहीं मिला तो इसलिए ऐसे हो गए यार। नहीं ये निकाल दिया था मेरे ख्याल से, गमला टूट गया था शायद इसका। पापा। अच्छा ये पता है दूसरे गमले में थे शायद, इसमें थे क्या ये? हाँ बाल्टी में थे, वो टूट गई थी तो इसको इनमें डाला तो ये तब से ठीक नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही ना। उसको बोलना कल आएगा ना गमले वाला, इसके अंदर वो डाल देगा, देखो ये खाद डाल देगा, और वो थोड़ा सा वो जो वो सफेद सफेद पाउडर सा था वो डाल देगा, क्या पता हो जाए। ये ठीक हो गया, हाँ ये भी ठीक हो गया। और आज और हम एक गमला लेकर आए घर से, ये वाला, एक ये वाला है, और ये वाला कौन सा है इसका नाम, ये तो ग्लोई की बेल, ये ग्लोई की बेल है जो मतलब उसमें काम आती है। अब मनी प्लांट हमारा नीचे लगा हुआ है, ठीक है, इस वाली बालकनी से दिखेंगे, नहीं दिख रहा? हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग भाई लोग, सुबह सुबह प्लांट वाले जो भैया है ना, उन्होंने आके बेल बजा के हमें उठा दिया है, तुम सो जाओ, आई एम गोइंग, मैं चल पंखा ऑन कर दो, मैं चलता हूँ, जरा कराऊं ट्रीटमेंट पौधों का। बेबी न्यूज के अंदर गाइस एक खबर आ रही है कि जिसके अंदर 50 दिल्ली के स्कूलों में बम की बात सुनने को आई है। हम बच्चों के स्कूल है ना, उसमें तो क्या कहते हैं स्कूल वो छुट्टी कर दी गई है, काफी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है बच्चों के स्कूल की, लेकिन मेरे स्कूल जहाँ मैं फोन लगा रही हूँ स्कूल का नंबर ही नहीं लग रहा, सब नंबर बिजी जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक बार ट्राई करती हूँ, मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं फटाफट निकलता लेकर पूछ के आऊंगा वहाँ पे क्या चल रहा है छुट्टी का। हमारे को तो अभी कोई स्कूल की तरफ से मैसेज नहीं आया कि छुट्टी हो गई है, लेकिन यहाँ पे नियर बाई काफी स्कूलों में छुट्टी कर दी है, और अभी हम स्कूल के जितने भी नंबर लगा रहे हैं वो सारे नंबर कंटिन्यू बिजी जा रहे हैं। मिला नहीं मिला, और सब स्कूल वाले तो क्वेरी कर रहे हैं कि भैया आप छुट्टी नहीं कर रहे, और होगी तो छुट्टी हो गई स्कूलों की, लेकिन अभी इन लोगों के पास कोई मैसेज नहीं आया तो ये तो अभी स्कूल की छुट्टी नहीं कर रहे, बट थोड़ी देर वेट करके देखते हैं क्या होता है। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, लेकिन आपको हाथ वाला रिक्वेस्ट करो मैम कीजिए, प्लीज प्लीज साथ हम रहेंगे। वेट कर रहे हैं फिलहाल हम, देखते क्या होता है। और यहाँ पे भाई मारे वाले तो छुट्टी नहीं, सारे पेरेंट्स जो हैं जितने भी पेरेंट्स हैं भैया सब यहाँ पे हल्ला काट रहे हैं कि भैया छुट्टी करो छुट्टी करो छुट्टी करो, बट अभी तक कोई भी छुट्टी का नहीं मैसेज आया, यहाँ सब हल्ला कट रहा है पूरा का पूरा। और अपने को भी टेंशन हो रही है कि भैया तुम बच्चा दे दो, हम अपने घर में ले जाकर बैठाएं, अगर ऐसी बात है तो, आप चाहे अफवाह हो चाहे रियलिटी हो जो भी हो, लेकिन डर तो होता ही हर किसी को यार, अपने को भी डर है और सारे जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको भी इस चीज़ का डर है कि भैया अगर स्कूलों में ऐसा हुआ है कुछ तो आप हमारे बच्चे हमें दे दो, हम अपने घर ले जाके बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात उनकी भी ठीक है, तो स्कूल वालों को भी छुट्टी कर देनी चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए बच्चों को, क्यों रिस्क लेकर के स्कूल वाले इतने सारे बच्चों को स्कूल के अंदर बैठाएं। लड़ाई स्टार्ट हो गई, प्रिंसिपल और पेरेंट्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पेरेंट्स का भी पैनिक होना बनता है, क्या करें।
हाँ रखी है इन दोनों ने, ये बोल बोल के हमारी छुट्टी क्यों कराई, हमारी छुट्टी क्यों कराई, हमारी छुट्टी क्यों कराई, क्यों कराई तुम्हारी छुट्टी, बताओ बताओ। क्योंकि न्यूज आई है क्या? कि तुम्हारे स्कूल में बम होने की आशंका है। आशंका मतलब संदेह है। कौन चला ले आए हैं और तब से पूछ रहे छुट्टी क्यों कराई, छुट्टी क्यों कराई। अभी इनको मैंने बताया ठीक है, और मेरे हिसाब से ना वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं ना सब लगे पड़े हैं बच्चों की छुट्टी कराने के लिए। और बहुत भीड़ हो रही है, प्रिंसिपल से तो एक लोग लड़ भी गए। अभी पता 50 लोग की थी, अब 80 से ऊपर लोग हो गए हैं और अभी बढ़ती जाएगी संख्या। स्कूल ईमेल जिसमें आया कि बम रखे गए हैं। अच्छा हाँ, अभी 50 था ना अभी तक भाई, देखो 80 से ऊपर हो गया। संदेह हो, शक हो रहा हो आपको या ना भी हो रहा हो, मेरे हिसाब से बच्चा घर ला के बैठा लो, चार पांच दिन में आपका बच्चा कोई इंजीनियर नहीं बन जाना है ठीक है। हाँ तो चार पांच दिन में बच्चा इंजीनियर नहीं बन जाना, इलेक्शंस की वजह से मे भी हो रहा होगा ठीक है, मान सकते हैं उस बात को, लेकिन आप जो है ना अपनी सेफ्टी करके चलो, बाकी देखी जाएगी। और मैं तो भगवान से दुआ करूँगा, आप लोग भी दुआ करें कि ये अफवाह अफवाह ही हो, ऐसा किसी भी स्कूल में कुछ नहीं होना चाहिए। सब स्कूलों में यार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा किसी भी स्कूल में नहीं होना चाहिए ठीक है। बाकी आप अपने बच्चों की सेफ्टी करो, आप उनको अपने घर ले आओ ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि यार बड़ा मूर्ख है तो इतनी सी बातों में आ गया, तो उनकी बातों में मत आओ, क्योंकि कल को ना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर लोग यही बोलते हैं काश मैं ले आता, तो आप छोड़ दो, पेरेंट्स हो आपका दिल उस हिसाब से होता है। मैंने वहाँ ऑलरेडी देखा कि जितने भी पेरेंट्स थे सबका दिल जो है ना बहुत अच्छा था, सारे वहाँ पर पैनिक हो रखे थे अच्छे खासे कि भाई मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो, वो आप समझ नहीं रहे हो, लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत। तो आप लोग भी जो है ना इसको करो और लेकर के आ जाओ बच्चे को अपने ठीक है, और दो चार दिन जब तक ये मैटर शांत सा ना दिखे तब तक मत भेजो, कोई बात नहीं।